नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। संसद में जाति को लेकर हुआ हंगामा आपने देखा होगा। अनुराग ठाकुर ऐसा बोल गए, विपक्ष के नेताओं को रास नहीं आया और राहुल गांधी को बिल्कुल रास नहीं आया। बता दें आपको, राहुल गांधी जातिगत जनगणना को लेकर गजब का बवाल मचाए हुए थे। अनुराग ठाकुर ने करवा दी बोलती बंद कि जो जातिवाद कह रहा है उससे जाति पूछे क्या, कौन सी जाति का है वो। अब इस पर अखिलेश यादव रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, कह रहे हैं आप जातिवाद नहीं पूछ सकते, आप जाति नहीं पूछ सकते। अब राहुल गांधी देखिए दर्शकों, महाभारत का ज्ञान लेकर आए हैं, कह रहे हैं अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह में फंस गया था वैसे ही पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जितने दिग्गज नेता हैं उनके चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। फिर क्या था, राहुल गांधी को खुद घेरा है उनके पूर्व नेता ने, कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम रहे हैं कभी, और अब कांग्रेस ने उनको निकाल दिया है पार्टीगत विरोधी लाइन देने से। और देखिए यहां पर बता दें आपको, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जमकर इस हंगामे पर अपना पलटवार किया, कह रहे हैं पर्ची मास्टरों ने तो राहुल गांधी का जीवन बर्बाद कर दिया है जो पर्चा लिख कर दे रहे हैं। दर्शकों जाहिर सी बात है, राहुल गांधी आजकल देखिए खूब बोल रहे हैं और इतना बोल रहे हैं कि कुछ गड़बड़ बोले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि आप मुझे कुछ भी कीजिए, मुझे गाली दे रहे हैं अनुराग ठाकुर जी, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मंगवाना चाहूँगा। महान बनने की कोशिश राहुल गांधी की थी, लेकिन आप सबको पता है कि राहुल गांधी के पूरे परिवार ने देश के साथ क्या किया, ये जनता कह रही है कि सबको पता है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने देखिए क्या कहा है, मैं आपको पढ़ाती हूं। मोहब्बत की दुकान पर जातिवाद का जहर देश के लिए ठीक नहीं है राहुल गांधी जी। एक और ट्वीट कर रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, लिख रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर सबकी जाति पूछते हो लेकिन अपनी जात बताने में नानी याद आ गई। राहुल गांधी ने कभी भी अपने धर्म अपनी जाति के बारे में कुछ नहीं कहा है, ये आप सबको पता होगा। राहुल गांधी से कभी भी कंफर्म अगर पूछ लिया जाए उन्होंने कभी नहीं बताया। और देश की जनता देखिए लगातार ये क्वेश्चन कर रही है, राहुल गांधी क्या मुस्लिम है, क्या हिंदू है, क्या है, कौन सी जाति के हैं, गांधी सरनेम तो कहीं और से आया है। मैं नहीं कह रही हूं, ये जनता पूछ रही है दर्शकों कि जवाहरलाल नेहरू यहां पर जिस तरीके से इंदिरा गांधी के मुरीद समझ लीजिए थे, तो क्या क्या समझा जाए, राहुल गांधी आखिर किस जाति के हैं। समझ में नहीं आती बातें कि चाचा नेहरू के बाद राहुल गांधी के पूरे परिवार को खूब तवज्जो मिली, जाहिर सी बात है, लेकिन कास्ट नहीं बताया गया। गांधी तो टाइटल कहीं और से लिया गया और फिरोज खान भी थे इस खानदान में, तो क्या हुए राहुल गांधी। मैं नहीं पूछ रही हूँ, जनता लगातार कितने सालों से ये क्वेश्चन कांग्रेस के परिवार से पूछ रही है। कांग्रेस परिवार में इसलिए कह रही हूँ, पूरा कांग्रेस ही राहुल गांधी की पहचान से जाना जाता रहा है। इतनी देश की विडंबना है, सबसे पुरानी पार्टी लीड कर चुके जवाहरलाल नेहरू, आज बिना गांधी परिवार के नहीं जाना जाता है। अब मैं आपको बता दूं, यहां पूर्व कांग्रेस के नेता ने साफ कह दिया कि पर्चे मास्टरों ने इनका जीवन लीला बर्बाद कर दिया है। अब ये महाभारत का ज्ञान लेकर आए हैं, जिनको महाभारत तो क्या, भारत की संस्कृति सभ्यता के बारे में कुछ पता नहीं है। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम के बोल है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी को सबसे ज्यादा भय लगता है और उन्हें इतना भय लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री को रोज सुबह उठ करके बिना मुंह धोए पानी पी पी के कोसते हैं, फिर संसद में कोसते हैं, सड़क पे कोसते हैं, घर में कोसते हैं, पब्लिक मीटिंग में कोसते हैं, फिर भी कहते हैं भय लगता है, देश में भय है। तो मुझे लगता है कि राहुल जी को कुछ पता नहीं है, उनके पास कुछ पर्ची मास्टर हैं जो पर्ची लिख के उन्हें दे देते हैं और वो उनको बोल देते हैं। इन ये जितने भी पर्ची मास्टर हैं इन्होंने राहुल गांधी जी को बर्बाद कर दिया है। इन्हें ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी तारक मेहता के चश्मा जैसे सीरियल में बोलने नहीं जा रहे हैं, देश की संसद में बोलने, ये भारत की संसद है, ये विमर्श का स्थान है, यहां बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, लॉजिकली बोलना चाहिए। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसका कोई रेलिवेंट नहीं है। सारे पर्ची मास्टर मिलकर के राहुल गांधी जी को बर्बाद किए जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को ना रामायण का कुछ पता है ना महाभारत का, ये सब सनातन के ग्रंथ हैं, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार, भारत के शास्त्र,
उनसे राहुल जी का क्या लेना देना, उन्हें यह नहीं पता है कि चक्रव्यूह की रचना किसने की थी, उन्हें यह भी नहीं पता होगा और उन्हें यह भी नहीं पता कि अभिमन्यु का जो वध हुआ उसमें 7 महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु को मारा था, 7। तो चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु गिर गया तो 7 महारथी थे, उन्हें किसी ने लिख के दे दिया 6 बोल दो तो 6 बोल दिया। दूसरा बड़ी बात यह है, वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तो अर्जुन हूं। अरे साहब, अर्जुन तो अकेला लड़ा था सारे कौरवों से, आपके साथ तो ये सारे पूरे विपक्ष के जितने भी लोग हैं, पूरा कौरव दल आपने अपने साथ कर लिया है। अगर वाकई इस देश में कोई अर्जुन है वो तो नरेंद्र मोदी है, जो आपके हर एक चक्रव्यूह को तोड़ करके विजयी हो जाता है, तीसरी बार भी आपके चक्रव्यूह को तोड़ के देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो गए। तो अर्जुन तो विजेता है, आप क्या हैं मुझे लगता है राहुल जी को खुद पता ही नहीं है। ये शोध का विषय है कि राहुल जी क्या है। देखिए, अभी मुझे किसी ने बताया कि वो उनका ध्यान हलवे में बड़ा अटका हुआ था। 60 साल तक उन्होंने इस देश को हलवा समझकर ही तो खाया है। जिन्होंने 60 साल तक इस देश को हलवा समझ के खाया है, बांटा है, आज उन्हें हलवा बड़ा खटक रहा है। हलवा तो समृद्धि का प्रतीक है, हलवा प्रसाद समझ के वितरित किया जाता है। ये भारत की संस्कृति और हमारे संस्कार और सनातन की परंपरा है, ये तो समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन अफसोस कि उन्हें वो जो 60 साल में हलवा खाया है वो उनके जहन से उतर नहीं रहा है, वो फिर हलवा खाना चाहते हैं। तो राहुल जी, हलवा खाइए, हलवा खाने का मौका आपको मिल सकता है दोबारा, लेकिन पहले जो 60 साल में हलवा खाया है उसका हिसाब दीजिएगा। कभी वो चक्रव्यूह की बात करते हैं फिर वो रामायण पे आ जाते हैं, कभी वो महाभारत की बात करते हैं फिर शिव जी पे आ जाते हैं। मुझे लगता है कि वो किसी दिन कह देंगे कि भगवान शिव की बारात में मैं भी शामिल हुआ था, तो क्या कहेंगे इस पे? कुछ पर्ची मास्टर हैं जो उन्हें पर्चियां पकड़ाते हैं, उन्होंने ये पार्टी बर्बाद कर दी है और वो रोज राहुल गांधी जी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इसके अलावा राहुल जी का जो बयान है, उनका जो वक्तव्य है, उस पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने तो चुनाव में ये भी कहा था कि मैं लिख के दे रहा हूं तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद की शपथ नहीं लेगा, नहीं लेगा, लेकिन शपथ तो हो गई। उन्होंने तो यह भी कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, नहीं बनी। तो राहुल गांधी जी क्या कहते हैं और वो कितना सच निकलता है, कितना समझ के बोलते हैं, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है, देश मतलब कल तक राहुल गांधी जी कांग्रेस की समस्या थे, आज तो वो पूरे देश की समस्या बन गए। उन्हें पता ही नहीं है कुछ। मुझे कभी कभी उन पर दया आती है कि उनके साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। राहुल जी को बहुत सोच समझ करके संसद में बोलना चाहिए। और मुझे तो अब अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, इन पर भी बड़ा तरस आ रहा है कि इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपना नेता मान लिया है, राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है, जिन्होंने अपनी पार्टी का ही सत्यानाश कर दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ये जो फैसला है, ये अच्छा फैसला है। माता प्रसाद पांडे जी को जो नेता प्रतिपक्ष बनाया है
इससे समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन जहां तक सवाल शिवपाल यादव जी का है, तो शिवपाल यादव जी के तो नाम में शिव लगा है, जिसके नाम में शिव लगा है तो जहर तो पीना पड़ेगा, दुष्पान तो करना पड़ेगा। जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी हल्ला तो कर रहे हैं, चिल्ला चिल्लाकर बता रहे हैं क्यों नहीं कि आखिर वो किस जाति के हैं। संसद में देखिए अनुराग ठाकुर ने गजब का धोया है, और ये अनुराग ठाकुर ने ये दिला दिया, ये याद दिला दिया कि आखिर अभी भी क्यों ना देश में कभी इन लोगों ने अराजकता फैलाई तो दबदबा अभी किसका है। अभी नरेंद्र मोदी यहाँ पर कहीं ना कहीं देश को लीड कर रहे हैं और दबदबा कायम है पिछले सालों से, कई सालों से। अनुराग ठाकुर ने उस पर ही चुटकी ली है कि ये लोग क्या कहते हैं, अच्छे से पता है ये मिलिट्री स्कूल की बात करते हैं, मैं उसी स्कूल से पढ़कर आया हूँ। और देखिए यहाँ पर अग्निवीर योजना को की बात हो जाए या किसी भी योजना की बात हो जाए, लगातार कांग्रेस पार्टी सभी योजनाओं पर सरकार को निराधार बताती है, और यही वजह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद आंखें खोलते रहते हैं। यहां पर अखिलेश यादव भड़क गए, अखिलेश यादव ने साफ कह दिया किस जाति से हैं, क्यों पूछते हो, क्या आपको अधिकार है इसके बारे में पूछने के लिए। तो पीठासीन अधिकारी ने साफ कहा ये संसदीय गरिमा के भीतर किसी से जाति आप नहीं पूछ सकते हैं। हालांकि अनुराग ठाकुर ने इसी वजह से कहा था क्योंकि लगातार जातिगत जनगणना पर कह रहे राहुल गांधी आप कुछ भी कर लीजिए, हम तो भैया दिलवा कर रहेंगे, जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे। अब इसी पर राहुल गांधी की हो गई बेइज्जती, तो कह रहे हैं मुझे गाली दिया गया है, मुझे अनुराग ठाकुर ने अपमानित किया है, जितना आप लोग मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं आप खुशी से कीजिए, आप रोज कीजिए, मगर मत भूलिए हम जातिगत जनगणना को पास करके दिखाएंगे, जितना बेइज्जत करना है करिए। सदन में दर्शकों एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि शांति से ये नेता सदन चलने दे, खास तौर पर राहुल गांधी। राहुल गांधी ने दो जगह से जीत कर ये दिखा दिया है कि कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक गलत दिशा में जा रहा है। तभी कहा था प्रधानमंत्री ने कि हम जीत को पचाना जानते हैं और हार पर विलाप नहीं करते। विलाप मतलब कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की इस बार बेइज्जती की, बीजेपी को हारा हुआ दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। पहला ऐसा चुनाव था, सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कई बार कहा ये टेलीविजन स्क्रीन पर कि यह पहला चुनाव था जब हारने वाले भी मिठाई खा रहे हैं और जीतने वाले भी। हालांकि जीतने वाले मिठाई इसलिए नहीं खा रहे थे क्योंकि मार्क्स जो है थोड़े से कम आए। खैर अब ये सत्ता पक्ष का हंगामा मैंने आपको बताया, विपक्ष का हंगामा पहले हुआ, उसके बाद सत्ता पक्ष का हंगामा हुआ जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से जाति उनकी पूछ ली। बड़ा दिल को आघात हुआ, चोट पहुंची है, दर्द तो हुआ होगा। आपकी क्या राय है, आपको भी लगता है दर्द हुआ होगा? और राहुल गांधी को जातिगत यहां पर टिप्पणी से हमेशा ये बस्तर दिखाई देते क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। भैया इतना आपसे जनता पूछ रही है, बता दीजिए सदन में, बता दीजिए कौन सी जाति से हैं। अगर आपको इतना ही है कि मुझसे केंद्र क्यों पूछ रहा है, बता दीजिए, मुंह चुप करा दीजिए अनुराग ठाकुर का। लेकिन राहुल गांधी ने मुंह चुप नहीं कराया और कह रहे हैं बेइज्जती कर दी, बेइज्जती कर दी। खैर आपकी क्या राय है, आपको भी क्या इस सवालों के जवाब को जानना है, जरूर हमें राय हाँ या ना में लिख के बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।